बिसमरूम अल्लमकूँ सामीन यह है काशान वसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार और मैं और आप हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं किताब अखबार जल्द अव्वल और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर ट्वेंटी सिक्स और हम पहुँचे हैं बाब नंबर 147 तक और हम सफ़ा नंबर 218 से रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं 218 सौ ही भी आपसे खुदाफिस कहा था और इसी के आखिरी कुछ जो लाइनें हैं वो यहीं पे से आगाज़ हम कर रहे हैं 147 फोर्टी सेवन बाब इसमें मैं बताती हूँ कि हम ए, उसके क्या उनवान है कि जिसके मानी जानना चाह रहे हैं उनवान है कि सामा हामा आमा और लामा के माने और अब आइए मैं है जे करती हूँ सीन अलिफ मीम अच्छा जी जो हर किसी के साथ मीम के ऊपर तशदीद है सीन अलिफ मीम तशदीद है सामा हे अलिफ़ मीम तशदीद है हामा और ये दो चश्मी है है और एन अलिफ मीम तशदीद है आमा और लामा लाम अलिफ मीम तजदीद है आइए इनके माने जानते हैं सबसे पहले लिखा है कि यहाँ पर नंबर वन पे के मेरे वालद रहमुल्ल ने उन्होंने मोहम्मद बिन याहिया से उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन भूसा बिन जाफ़र से और उन्होंने हमारे अहाबाब में से एक से ज़्यादा से उन्होंने सुलेमान बिन खालिद से और उन्होंने अबू अब्दुल्ल इमाम जाफर जाफिर सदेम से क्या आप सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मैं ए परवरदिगार तुझसे सामा हामा आमा और लामा के शर से पना मांगताओं के मुतालिक सवाल किया गया तो ने इरशाद फरमाया कि सामा यानी करीब वाले हामा यानी जमीन के शेर और दीगर ज़रा रज़ा जानवर लामा यानी शैतानों का साथी बनना और आमा यानी के आम इंसान यहाँ पर यह मुकम्मल हो गया और अब हम बाब नंबर वन एट पढ़ेंगे जिसका है रम के माने रेमी इम रम अब इसमें जेर ज़बर पेश नहीं है तो इसको हो सकता है ये रम पढ़ा जाए रोम या रिम बहरहाल मैंने इसको रम पढ़ा रम के माने मेरे वालिद रहमल्ला ने फ़रमाया हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ल ने और उन्होंने मोहम्मद बिन हुसैन से और उन्होंने अबुल जवाज़ा अबुल जौजा से से और उन्होंने हुसैन बिन अलवान एन से है अलवान से और उन्होंने उमरू बिन खालिद से उन्होंने ज़ैद बिन अली से और उन्होंने अपने आबाए ताहरीन आसलम से आप सलाम ने अली आपने सलामाम से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए रहबानियत नहीं है और ना सयाहत अच्छा रहबानियत के बाद लिखा है सयाहत और सयाहत के माने लिखे हैं ब्रैकेट में आवारगी सयाहत है और ना रम है यहाँ पे ज़बर नज़र आया मुझे रम है और रम के माने लिखा है यहाँ पे यानी कि खामोशी बस इतना ही लिखा है और अब अगला बाब शुरू हो गया है 149 के जिसका उनवान है तौबा नसूह के माने ते वाव बे है और नून स्वाद वाव है आइए इसके माने जानते हैं लिखा है मेरे वालद रह ने फ़रमाया हमसे बयान किया मोहम्मद बिन याहिया ने और उन्होंने मोहम्मद बिन अहमद से उन्होंने अहमद बिन हलाल ये दो चश्मी है के साथ है हलाल है से और उन्होंने कहा कि मैंने अबुल हसन अल अखीर अबुल हसन अलअीर जी इमाम अली नकी सलाम से और तौबा नसू के बारे में सवाल किया कि ये क्या है तो इमाम ने तहरीर फरमाया कि बातिन का जाहिर जैसा होना और उससे अफजल होना यहाँ पे इनवर्टिड कॉमा ख़त्म हुआ और इसके हवाले से एक और माने लिखे हैं लिखा है, हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन बिन अहमद बिन वलीद रज़ी अला ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन सफ़ार ने सफ़ार स्वाद से है और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा ने हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा ने उन्होंने मूसा बिन कासिम बिजली से उन्होंने अली बिन अबी हमज़ा से और उन्होंने अबू बसीर से और उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सदसल से अल्लाह के क़ौल जो कि सुरह तहरीम की आयत नंबर आठ है उसके सिलसिले में आप सलाम ने इशात फरमाया कि वो बुध के दिन यानी वो बुध के दिन जुमेरात के दिन और जुमे के दिन का रोज़ा है तो ये यहाँ पे देख लेते हैं ये जो तोबत नसू के बारे में लिखा है वो ये है और फिर लिखा है कि इस किताब के मुसन्फ़ फरमाते हैं कि इसके माने हैं कि इन दिनों में रोज़ा रखने और फिर तो इन दिनों में रोज़ा रखें और फिर तोबा करें अच्छा अब यहाँ पे एक और है यानी तीसरे नंबर पे और मानी लिखे में लिखा है हमसे बयान किया मोहम्मद बिन मूसा बिन मुतबल रज़ी अल्लाह ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अली बिन इब्राहिम इब्न हाशिम ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन ईसा बिन उबैदाल यतीनी ने और उन्होंने यूनस बिन अब्दुलरमान से और उन्होंने अब्दुल्ल बिन सनान और दूसरों से और उन्होंने अबू अब्दुल्ल इमाम जाफ़िर सद्लम से क्या ने इर्शाद फ़रमाया कि किबा नसू ये है के जिस शख्स का बातिन उसके जाहिर जैसा हो अफजल हो उसके जाहिर जैसा हो और अफज़ल हो बस यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मुकम्मल हुआ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ था यहाँ से कि तौब ये है कि जिस शख्स का बातिन उसके जाहिर जैसा हो और अफज़ल हो फिर लिखा यकीनन कहा गया है कि तौबा नसू यह है कि कोई शख्स गुनाह से तौबा करे और ये नियत करे कि कभी भी उसकी जानब नहीं पलटेगा और अब हम आ गए हैं सफ़ा दो सौ बीस पर और यहाँ पर बाब नंबर वन फिफ्टी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आइए सबसे पहले मैं इसके उनवान को आपकी समातों की नज़र करती हूँ लिखा हैसनतनिया और के माने लिखा है कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन मूसा बिन मुतवक् रहमतुल्लाह ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अब्दुल्ला बिन जाफ़र हमीरी ने और उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद से और उन्होंने हसन बिन महबूब से और उन्होंने जमील बिन साले से और उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सदक़ल से अल्लाह के इस कौल के जो सूरह बकरा का की आयत नंबर टू हंड्रेड है आते ना फिल और इसके बारे में सिलसिले में इर्शाद फरमाया कि अल्लाह की रजा और जन्नत आखिरत में और रिस्क और माश में वसत और अच्छे अखलाक दुनिया में यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया अब बाब वन फिफ्टी वन उनवान दुनिया का कर्ज़ा और आखिरत का कर्ज़ा इसके माने आइए जानते हैं लिखते है, हमसे बयान किया अहमद बिन हसन कत्तान ने उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन याहिया बिन जकरिया कत्तान ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया बकर बिन अब्दुल्ला बिन हबीब ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया तमीम बिन बहलुल ने उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने अब्दुल्ला इबन फजल हाशमी से और उन्होंने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ल इमाम जाफ़र सदक़ल से अर्ज़ किया कि बेशक मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जबकि मैं साहिब अयाल भी हूँ और हज पर कुरत नहीं रखता तो आप सलाम मुझे कोई दुआ तालीम फ़रमाइए कि जिसके ज़रिए मैं तलब करूँ तो इमाम सलाम ने इर्शाद फरमाया कि हर वाज नमाज के बाद ये कहो के रहमत नाजिल फरमा और मुझसे अदा दुनिया के कर्जे को और आखिरत के कर्जे को यहाँ पर यह मुकम्मल हुआ और इसका इसकी अरबी भी है मैं पढ़ देती हूँ अल्लाह वाल मोहम्मद वक़ी दीन दुनिया व दिन आखिरत परवरदिगार अहमद नाज़िल फरमा महमद सल्ला वसम और आल मोहम्मद सल्ह वसलम पर और मुझसे अदा फरमा दुनिया के कर्ज़े को और आखिरत के कर्ज़े को फिर लिखा है मैंने इमाम सलाम से अर्ज़ किया कि जहाँ तक दुनिया के कर्जे का ताल्लुक है यकीनन मैं उसकी पहचान रखता हूँ मगर ये आखिरत का कर्जा क्या है तो इमाम सलाम ने इशाद फरमाया आखिरत का कर्ज़ा हज है और अब आइए हम आ गए हैं पेज नंबर 221 पर और यहाँ पर बाब लिखा है 152 और उसका कुछ बड़ा है मैं पढ़ती हूँ लिखा है तशहुद में नमाजी का कहना कि अल्लाह के लिए वो चीज़ है जो पाकीज़ा और ताहिर है और जो ख़बीस है वो उसके गैर के लिए है इसके माने क्या हैं ये जानते हैं लिखा है हमसे बयान किया अहमद बिन हसन कत्तान ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन याहिया बिन ज़करिया कत्तान ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया बकर बिन अब्दुल्ला बिन हबीब ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया तमीम बिन बहलूल ने उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने फ़जल हाशमी से और उन्होंने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सदसम से अर्ज़ किया कि नमाजी का अपने तशहद में कहना कि अल्लाह के लिए वो चीज़ है कि जो पाकिज़ा और ताहिर है और जो खबीस है वो उसके गैर के लिए है इसके क्या माने हैं तो इमाम सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो पाकिज़ा और ताहिर है वो हलाल रोज़ी का कमाना है और जो खबीस है वो सूद है तो यहाँ ये मुकम्मल हुआ और अब बाब 153 पढ़ते हैं और इसमें लिखा है उनवान है इसका कि नमाज़ में सलाम पढ़ने के माने और इसमें हम मतलब जानते हैं और सामीन इसमें सबसे पहले लिखा है हमसे बयान किया अहमद बिन हसन कत्तान ने उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन या बिन जकरिया कप्तान ने उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया बकर बिन अब्दुल्ला बिन हबीब ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया तमीम बिन बहलुल ने और उन्होंने अपने वालद से और उन्होंने अब्दुल्ला बिन फजल हाशमी से और उन्होंने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सदसम से नमाज़ में सलाम पढ़ने के मानी के बारे में सवाल किया तो आप ने इर्शाद फरमाया इन्वर्टेड कॉमा के सलाम अमन और नमाज से बाहर आने की निशानी है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज मैंने अर्ज़ किया कि कैसे मुझे आप सलाम का फिदिया करार दिया जाए मैंने अर्ज़ किया कि कैसे और साथ ही कहा कि मुझे आप सलाम का फ़दिया करार दिया जाए तो इमाम सलाम ने फरमाया कि गुज़त ज़माने में लोगों को जब कोई आने वाला सलाम करता तो उसके शर्त से वो लोग महफूज हो जाते और जब ये लोग उसको जवाब जवाब सलाम देते तो वो शख़्स उन लोगों के शर्त से महफूज हो जाता था बस अगर कोई सलाम ना करता तो लोग उससे महफूज नहीं होते और अगर लोग मुसलमानों मुसलमान को जवाब सलाम न दें तो जवाब सलाम ना दें तो वो लोगों से महफूज नहीं होता और ये अरबों का तरीक़ा था बाद में सलाम को नमाज से निकलने का और नमाज पूरी हो जाने की वजह से बातचीत के हलाल और जायज़ होने की निशानी और नमाज में किसी ऐसी चीज़ के दाखिल होने से अमान करार दिया गया कि जो नमाज़ को फासद करने का सबब बनती है और अलाम अल्लाह और अलामों अल्लाह के नामों में से एक नाम है और सलाम नमाजी की जानब से अल्लाह की के उन दो फरिश्तों पर वाक़ होता है कि जो उसके साथ मुन किए गए हैं तो यूँ ये मुकम्मल हुआ और पेज टू ट्वेंटी टू पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो बाब है उसका नंबर है वन फिफ़्टी फोर और उनवान वन है दारोसाम यानी सलामती का घर उसके क्या माने हैं जब आइए जानते हैं लिखा कर है, हमसे बयान किया अबुल हसन अहमद बिन मोहम्मद बिन सकर साफ हमज़ा ग़े ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मूसा बिन इस काजी ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबूबकर बिन अबी शीबा ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया जरीर बिन अब्दुलमजीद ने और उन्होंने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से और उन्होंने अबू जब जबियाान जोएब ये लिफनू जबीन से और उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से उन्होंने कहा कि दारुसलाम जन्नत है और अहल जन्नत के लिए तमाम आफात बलाओं बीमारियों और तकलीफ़ों से सलामती है उनके लिए बुढ़ापे मौत और हालतों की तब्दीली से सलामती है वही वो और वाम हैं जो कभी भी ज़िलत और रसवाई में मुबला नहीं होंगे और वही वो, वो इज्जत वाले हैं कि जो कभी जलील नहीं होंगे वही वो गनी अफ़राध हैं कि जो कभी भी मोहताज नहीं होंगे और वही वह सदतमंद हैं कि जो कभी भी बदबखती में मुबतला नहीं होंगे और वही वह खुशहाल और मसरूर लोगों के लोग हैं कि जो कभी भी गम और मुसीबत ज्यादा नहीं होंगे और वही वो, वो जिंदा हैं कि जो कभी भी नहीं मरेंगे बस वो दुर और दाल पे पेशे और रेपे तशदीद है बस वो दुर्र और मरजान के कसर महलात में होंगे कि जिनके दरवाज़े रहमान परवरदिगार के अर्श की जानब गुजरगा गुज़रगाह होंगे और यहाँ पर साथ ही लिखा है, है अरबी में सुर की आयत ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर का तर्जुमा पढ़ते हैं लिखा है कि और मलायका उन पर हर दरवाज़े से दाखिल होंगे और कहेंगे कि तुम पर सलाम हो कि तुमने सबर किया और आखिरत का घर कितना अच्छा है और अब आइए दूसरा मान यहाँ पर लिखा है कि हमसे बयान किया अली बिन अब्दुल्ला वर्राक ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया बास बिन सईद अजरक ने जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से था कि उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अब्दुल रहमान बिन सौल ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया शरीक बिन अब्दुल्ला ने और उन्होंने अला एन लाफ हमज़ा अला बिन अब्दुल करीम से और उन्होंने कहा कि मैंने जाफ़र इमाम मोहम्मद सलाम से अल्लाह के इस कौल के जो सूर्यस की आयत नंबर पच्चीस है तो जो कि इला अला दार्लाम के मुतल फ़रमाते सुना कि ने इरशाद फरमाया कि बेशक असलम वो अल्लाह की ज़ात है और उसका घर वो जन्नत है कि जो उसने अपने दोस्तों के लिए खल़ फरमाया है यहाँ ये मुकम्मल हुआ और अब आइए बाब 155 पढ़ते हैं जिसका है कि उन सात कलमात के माने कि जिसको हासिल करने के लिए एक शख्स दूसरे के पीछे सात सौ फरसख तक गया आइए ये, ये मा इसके माने जानते हैं सबसे पहले लिखा है कि हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद बिन या तार रज़ी अल्लाह ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मेरे वाले ने और उन्होंने मोहम्मद बिन अहमद बिन याहिया बिन इमरान अश अरी से और उन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया अबू अब्दुल्ला राजी कि जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अहमद था उन्होंने और उन्होंने सज्जादा के जिनका नाम हसन बिन अली बिन अबी उस्मान था से और उन्होंने मोहम्मद बिन अबू हमज़ा से और उन्होंने मोहम्मद बिन वहब से और उन्होंने अबू अब्दुल्ला अदक जाफ़र बिन मोहम्मद सलाम से कि आप सलाम ने इशात फरमाया कि एक हकीम व दाना दूसरे हकीम के पीछे सात बातों को हासिल करने के लिए सात सौ फरसत तक गया जब उसे मुलाकात हुई तो उससे कहा कि ऐ शख्स कौन सी चीज़ आसमान से ज़्यादा बुलंद ज़मीन से ज़्यादा वसी समंदर से ज़्यादा बेनियाज पत्थर से ज़्यादा सख्त आग से ज़्यादा हरारत में शदीद सख्त ठंडे से भी ठंडी होने में शदीद और बुलंदोबाला पहाड़ों से भी ज्यादा भारी है उसने जवाब में कहा कि यह शख्स हक आसमान से ज्यादा बुलंद है अदल जमीन से ज्यादा वसी है नफ्स का बेनियाज होना समंदर से ज्यादा बेनियाजी है काफिर का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त है अल्लाह की रूह रहमत से मायूसी सख्त ठंड से भी ज्यादा ठंड है और पाक दामन पर बहुतान लगाना बुलंदोबाला पहाड़ों से भी ज्यादा भारी है तो समय यहाँ पर हमने ये मुकम्मल पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे बाब नंबर 156 और हम पहुँच गए पेज नंबर 223 पर और यहाँ पर जो उन्वान है 156 बाब का वो है अशराफुल आ उमा अलिफ शिन रे अलिफे अलिफ लाम अलिफ़ मीम है और मीम के ऊपर तजदीद है लिखा है अशराफ़ उमा के मानी आइए जानते हैं लिखा है हमसे बयान किया अबुल हसन मोहम्मद बिन अहमद बिन असद अल-असदी ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया उस्मान बिन उमर इब्न अबी गैलान गैन ये लामिफ नू गैलान सकफी और ईसा बिन सलेमान बिन अब्दुलमलिक्शी ने और उन दोनों ने कहा कि हमसे बयान किया अबू इब्राहीम तर्जुमानी ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया साद बिन सईद अल अलर्जानी ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया नहशल नून है शीन लाम नहशल बिन सईद ने और उन्होंने जहाक से जुआ है काफ़ जहाक से और उन्होंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से और उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल वसलम इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के काबिल शरफ़ अफ़रा हामिलानर्न और अहाबा और ब्रैकेट में लिखा है रातों को जा कर इबादत करने वाले हैं और यहाँ पर ये यह मुकम्मल हो गया इसके माने जो कि हम अशराफ उम्मा के बारे में देख रहे थे और यहाँ पे अब अगला दूसरे नंबर पे लिखे हैं समझाया है हमें कि हमसे बयान किया अबुल हसन मोहम्मद बिन अहमद बिन असद असदुल असदी ने उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन जरीर हसन बिन उर्वा और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद वहबी ने और उन सब ने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हमीद या हुमैद हे पे पेश है मेरे हुमैद ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया ज़ाफ़र बिन जे फ़ेरे ज़ाफ़र बिन सुलेमान ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन एन ये नून ये है एनिया या एना एनिया ने और उन्होंने अबू खाजिम खे अलिफ से और उन्होंने सहल बिन साद से उन्होंने कहा कि इब्राईल सलाम नबी सल अल्लाह वसलम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लाह वसलम आप जैसे चाहें ज़िंदगी गुजारें बेशक आप सल अल्लाह वसम को मरना है आप सल अल्लाह वसलम जिससे चाहें मोहब्बत करें बेशक आप सल्ह वसम को उससे जुदा होना है और आप सल अल्लाह वसलम जैसा चाहें अमल बेशक आप सल अल्लाह को इसका बदला दिया जाएगा आप जान लीजिए कि मर्द की फजीलत उसकी रात की रात के इबादत के लिए कयाम और उसकी इज्जत लोगों से बेनियाज हो जाने में है ये यह यहाँ पर ये यह बस यहाँ पे मुकम्मल हुआ और हम पढ़ रहे थे अशराफुल उम्मा के माने और अब हम आ गए पेज 224 पर बाब 157 हम पढ़ते हैं कि जिसका है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना ही आसमान किसी पर साया फिगन हुआ और ना ही ज़मीन पर किसी ने कदम रखा है जो अबू जर रज़ी अल्लाह से ज़्यादा सच्चा हो इसके माने आइए जानते हैं इसमें सबसे पहले लिखा है कि पूरा है कि हमसे बयान किया अबुल हसन मोहम्मद बिन उमरो बिन अली बसरी ने उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू अब्दुल्ला अब्दुलसल इबन मोहम्मद बिन हारून हाशमी ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन आ, आ, उखब शीब शिबानी ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया कासिम खज़र बिन आबान ने अबान ने और उन्होंने अबू हदिया इब्राहिम बिन हदिया बसरी से और उन्होंने अनस बिन मालिक से और उन्होंने कहा कि एक रोज़ अबू जर रज़ी अल्लाह मस्जिद रसूल सल में तशरीफ़ ला कर कहने लगे कि गुज्त रात जो कुछ मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा लोगों ने कहा कि गुज्त रात आपने क्या देखा तो आप कहने लगे कि मैंने रसूल Allah, वाले वाले को देखा कि आप अलैहि असलम अपने दरवाजे पर खड़े हैं बस आप अलैहि वसलम बाहर तशरीफ़ लाए हज़रत अली बिन अभी तमाम का हाथ पकड़ा और वो दोनों बकी की जानब रवाना हुए बस मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा यहाँ तक कि मैं मक्के कब्रस्तान में पहुँचा और फिर आप सलील वसम ने अपने पिदर बुजुर्गवार की खबर के सामने खड़े होकर दो रखत नमाज अदा की तो अचानक ख़बर शक हुई उसमें हज़रत अब्दुल्ला बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई मबूद मगर अल्लाह और बेशक मोहम्मद सल अलाम के बंदे और रसूल हैं तो आप सलील वसम ने उनसे फरमाया कि ए पदर बुजुर्गवार आपके वली कौन हैं तो वो कहने लगे कि ये वली क्या होता है ऐ मेरे बेटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वली ये अली हैं तो उन्होंने कहा कि और बेशक अली मेरे वली हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आप अपने बाग़ यानी कि कब्र की जानब लौट जाएं इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा माजिदा जनाब आमना अलैहा की कब्र के सामने खड़े होकर वही कुछ किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पिदर बुजुर्गार की कब्र के सामने खड़े होकर किया था बस यकायक खबर शक हुई और आप कहने लगे कि गवाही देती आप सलामल कहने लगी कि मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई महूद मगर अल्लाह और बेशक आप अल्लाह नबी और उसके रसूल हैं आप अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि ए मदर गिरामी आपके वली कौन हैं तो आप कहने लगें कि ये विलायत क्या होती है ए मेरे बेटे आप सल असलम ने फ़रमाया कि वो यही अली इबन अबी तालब हैं तो आप कहने लगें कि बेशक अली ही मेरे वली हैं तो आप सल्ह वम ने फरमाया कि अब आप अपनी खबर और बाग की जानव लौट जाएं। लोगों ने की इस बात को लाया और उनसे अब ग्रेबान होकर कहने लगे कि या रसूल सलम आज आप पर झूठ बांधा गया तो आप सल असलम ने फरमाया कि वो क्या कहने लगे कि जंदब जीवन दाल बे जन्दब ने आप सल्लाम के हवाले से उस इस तरह एक इस इस तरह से एक हकायत बयान की है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आसमान ने किसी पर साया नहीं किया और ना ही रुए ज़मीन पर किसी ऐसे शख़्स ने कदम रखा है कि जो अबूजर से ज़्यादा सच्चा हो यहाँ पे जो उन्होंने कलाम किया उस वो मुकम्मल हुआ और अगले पैराग्राफ में लिखा है कि अब्दु सलाम अबन मोहम्मद कहता है कि मैंने ये ख़बर जहमी मोहम्मद इबन अब्दुल आला के सामने पेश की तो वो कहने लगा के, आ, कहने के, कि, कि कर, कहने लगे कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल आकर कहने लगे कि अल्लाह ने पीठ पर जहन्नुम को हराम करार दिया है तो जिस पर आप अलैहि वसल्लम बैठे हों और उस पीठ को कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया हुआ हो और उस पस्तान को कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया हो और उस गोद को कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की हो अब दूसरे नंबर पे मानी यूं लिखे हैं हम पेज 225 ट्वेंटी फ़ाइव पर आ गए मानी यूं लिखे हैं कि हमसे बयान किया मेरे वालद रज़ी अल्लाह ने और उन्होंने हमसे बयान किया मोहम्मद इब्न या तार ने और उन्होंने मोहम्मद इब्न अहमद इब्न याहिया इबन इमरान अशरी से और उन्होंने हमदान इबन सुलेमान से और उन्होंने नूह से से और उन्होंने फर्रा से और उन्होंने 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 एक रावी से उन्होंने कहा अब कि के सिलसिले में नहीं आसमान ने किसी लहजा पर साया नहीं किया और ना ही जमीन पर किसी ऐसे लहजा ने कदम रखा है कि जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो तो आप सलाम ने कहा कि हाँ रावी कहता है कि मैंने अर्ज़ किया कि पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल अमीरमिन कहाँ हैं और कहाँ हैं हसन सलाम और हुसैन सलाम तो रावी कहता है कि आप सलाम ने मुझसे फ़रमाया कि एक साल में कितने महीने होते हैं तो मैंने कहा बारह तो इमाम सलाम ने फ़रमाया कि उनमें हराम महीने कितने हैं तो मैंने कहा चार महीने आपने फ़रमाया रमज़ान उन हराम महीनों में से है तो मैंने कहा नहीं तो आप सलाम ने फरमाया कि माह रमज़ान में एक रात ऐसी है कि जो हजार महीनों से अफजल है और हम अहले बैत पर किसी को कयास नहीं किया जा सकता यहाँ ये मुकम्मल हुआ और अब बाब नंबर 158 पढ़ते हैं कि जिसका अनवान है कि इमाम सलाम का कौल के जिसने रियासत तलब की वो हलाक हुआ इसके माने आइए माने जानते हैं कि क्या हमसे बयान किया मेरे वालद रज़ी अल्लाह ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हसीन ने और उन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया अबू हफस बिन मोहम्मद ख़ालिद ने और उन्होंने अपने भाई सफियान बिन खालिद से और उन्होंने कहा कि अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने ارشاد फरमाया, ए सुफयान तुम्हें रियासत से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसे जिसने भी तलब किया वो हलाक हो गया तो मैंने इमाम अलैहि सलाम से अर्ज की बेशक हम तो हलाक हो गए क्योंकि हम में से तो हर एक हर कोई यही चाहता है कि उसका जिक्र किया जाए उससे रुझू किया जाए और उसी की बात को माना जाए तो आप ने फरमाया कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है बल्कि उसका मतलब तो ये है कि तुम बग़ैर जरत के किसी शख्स को खड़ा कर दो और उसकी हर बात की तस्दीक कर करो और लोगों को उसके कौल की दावत दो यहाँ पे ये मुकम्मल हुआ और अब हम पेज 226 पर आ गए हैं बाब 159 पढ़ने के लिए और इस बाब का उनवान भी थोड़ा बड़ा है आइए आपकी समातों की नज़र करती हूँ लिखा है इमाम साद्लाम का कौल कि जिसने इसलिए इल्म हासिल किया कि वो नादानों से झगड़ा करे या उलमा के मुकाबले में अपने आप पर फख्र करे या फिर इसलिए कि लोग उसकी जानब रुजू करें तो वो जहानुमी है आइए इसके माने जानते हैं तफसील बहुत तफसीला ये जो था था इसके माने कुछ इस तरह है हमसे बयान किया वाहिद बिन मोहम्मद अब्दूस रहमुल्ला ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अली बिन मोहम्मद बिन ख़ुत तो निशापुरी ने और उन्होंने हमदान बिन सुलेमान से उन्होंने बिन बिनस हरवी से और उन्होंने कहा कि मैंने अबल हसन इमाम अली रज़ा को ये फरमाते सुना कि खुदा रहम करे उस बंदे पर कि जिसने हमारे अमर को ज़िंदा किया तो मैंने इमाम सलाम से अर्ज़ किया कि भला आप की अमर को कैसे ज़िंदा करेगा तो ने फ़रमाया हमारे ूमू को हासिल करेगा और उन उनूम को लोगों को सिखाएगा बस अगर लोग हमारे कलाम की अच्छाइयों को जान जाते तो यकीनन हमारी पैरवी करते रावी कहता है मैंने इमाम सलाम से अर्ज किया कि ए फर्जंद रसूल सल अल्लाह वमाम जाफ़िर सदसम के हवाले से हमसे रिवायत बयान की गई है कि आप फरमाया कि जिसने इसलिए इल्म हासिल किया ताकि वो नादानों से झगड़ा करे या के मुकाबले में अपने आप पर फख्र करे या फिर इसलिए कि लोग उसकी जानब रुजू करें तो वह जहानुमी है और इमाम सलाम ने फरमाया कि मेरे जद ने सच फरमाया कि क्या तुम समझे नादान खो है तो मैंने अर्ज किया नहीं यह अपना रसूल अल्लाह सल अल्लाह वसलम इमाम ने फरमाया कि वो हमारे मुखालफिन से किस्सों को बयान करने वाले हैं और तुम समझे उलमा कौन हैं तो मैंने अर्ज़ किया कि नहीं ये अपना रसूल अल्लाह सल्ह वसम रावी कहता है कि इमाम ने फरमाया कि वह उलमा आहमद सल्ला वसलम हैं कि जिनकी अतात को अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया और उनकी मवदत को वाजिब करार दिया है और फिर फरमाया कि क्या तुम समझे कि सदक़ल के कॉल के, के या फिर इसलिए के कॉल इन्वर्टेड कॉमा के या फिर इसलिए कि लोग उसकी जानब रुजू करें इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के क्या माने हैं मैंने अर्ज़ किया नहीं तो सलाम ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा के कसम ब खुदा इससे मुराद यह है कि बग़ैर हक के दावे इमामत करना और जो भी ये करेगा वह जहनुम की आग में है यहाँ पर इन्वर्टेड क्लोज हो गया और अब हम बाब वन सिक्सटी पढ़ते हैं जिसका है इल्म को ज़रिए माश बनाने के मानी लिखा है कि हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद बिन हैसम अजली रहमुल्ला ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन याहिया बिन जकरिया कत्तान ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया बकर बिन अब्दुल्ला बिन हबीब ने और उन्होंने तमीम बिन बहलूल से और उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने मोहम्मद बिन सनान से, से और उन्होंने हमज़ा बिन हमरान से और उन्होंने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सदल को फरमाते सुना के इन्वर्टेड कॉमा के जो इल्म को कमाने का जरिया बनाएगा वो मोहताज हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपका फ़दिया करार पाऊं बेश के शीयों और दोस्तों में एक ग्रोह है कि जो आप केलूम को हासिल करते हैं और उसे आप के शीयों में फैलाते हैं और वह इस काम में शीयों से नेकी अतिया और इज्जत एहतराम से महरूम नहीं रहते इमाम सलाम ने फरमाया कि ये लोग ज़रिए माश बनाने वाले नहीं हैं इल्म को ज़रिए माश बनाने वाले फकत वो लोग हैं कि जो बग़ैर इल्म और बग़ैर अल्लाह की जानब से किसी हिदायत के हकूक़ को बातल करने की से दुनिया के सामान की लालच में फ़तवा देते हैं यहाँ पर ये मुकमल हुआ और अब हम हैं पेज नंबर टू ट्वेंटी सेवन पर और हम पढ़ने जा रहे हैं बाब नंबर वन सिक्सटी वन के जिसका अनवान है कि जो तस्वीर बनाएगा या कुत्ते की जिम्मेदारी उठाएगा वो यकीनन इस्लाम से ख़ारिज होगा इस वाली रिवायत के माने आइए जानते हैं लिखा है हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अली माजी लुया रहमल्ला ने और उन्होंने कहा कि अपने चचा मोहम्मद बिन अबी कासिम से उन्होंने अहमद बिन अबी अब्दुल्ला से और उन्होंने नहीकी से और उन्होंने अपने असनात के साथ सिलसिले को बुलंद किया अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सदस्य की जानत के आपने इर्शाद फरमाया इन्वर्ट कॉमा की जो तस्वीर बनाएगा या कुत्ते की जिम्मेदारी उठाएगा वकीनान इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया लिखा इमाम से कहा गया कि फिर तो बहुत सारे लोग हलाक हो गए तो इमाम ने फरमाया कि वो मुराद नहीं है कि जिसकी जानब तुम गए हो फिर कौल जो तस्वीर बनाएगा से मुराद ये है कि जो अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन को मीन करेगा और लोगों को उसकी जानब बुलाएगा और मेरे कौल के जो कुत्ते की जिम्मेदारी उठाने से मेरी मुराद वो शख्स है कि जो हम अहतम से बुक्स रखने वाले की उठाए कि वह उसको खाना खेल लाए और वो उसकी प्यास बुझाए जो शख्स ये काम अंजाम देगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा यहाँ पर ये यह मुकम्मल हुआ और अब हम यहाँ पर 162 बाब को पढ़ते हैं कि जिसका अनवान है अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कॉमा के जब तुम मार्फत हासिल कर लो तो जो चाहो अमल करो इन्वर्ट कॉमा क्लोज आइए इसके माने जानते हैं लिखा है मेरे वालिद रह ने फरमाया कि हमसे बयान किया साध बिन अब्दुल्ला ने और उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा से और उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने अली बिन नौमान से और उन्होंने फजील बिन उस्मान से उन्होंने कहा कि अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया पस कहा गया कि ये खबीस लोग आप सलाम के पिदर बुज़ुर्गवार से रिवायत करते हैं और कहते हैं कि बेशक आप सलाम के पदर सलाम ने फ़रमाया इन्वर्टेड कॉमा के जब तुम मार्फत हासिल कर लो तो जो अमल करो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज वो लोग इसकी बुनियाद पर हर हराम चीज़ को हलाल करार देते हैं इमाम सलाम ने इशाद फरमाया इन्वर्ट कॉमा के उनके हक़ में कोई सदाक़त नहीं है अल्लाह लानत करे उन पर मेरे पदर बुज़ुर्गवार ने फ़क्त ये फरमाया था कि जब तुम हक की मार्फत हासिल कर लो तो तुम जो चाहो नेकी अंजाम दो वो तुमसे कबूल कर ली जाएगी हम पेज 228 पर आ गए हैं और यहाँ पर बाब नंबर 163 सिक्सटी थ्री पढ़ के आपसे इजाज़त चाहेंगे इसका वान है जजाकल्ला खैर के माने कहा कि मेरे वालद रहा ने फरमाया कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन याहिया अत्तार ने और उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद से उन्होंने हसीन इबन यजीद से और उन्होंने मालिक इब्न आीन से आन के भाई हुसैन अबिन आइन से और उन्होंने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ल इमाम जाफर सदाल से एक शख्स का दूसरे शख्स के हक में ये कहना के, के बारे में सवाल किया कि माने हैं तो बेशक खैर जन्नत में एक नहर है कि जो कौसर से निकलती है और कौसर गोशय अर्श से निकलती है और उसके ऊपर ओसिया और उनके शी की मंजिलें हैं उस नहर के दोनों तरफ कुर्ब जवार में बने मकाना में नबाता हुरें मौजूद हैं अगर उनमें से एक अपनी सलाहियत खो दे तो उसकी जगह उस नहर के नाम के साथ दूसरी पैदा हो जाती है और ये अल्लाह के क़ौल के जो कि के सूर रहमान की आयत नंबर 70 है तर्जुमा के उन जन्नतों में नेक सीरत और ख़ूबसूरत औरतें होंगी सूर रहमान आयत नंबर सेवनटी और उस लिखा है कि इसके मुताबिक है कि जब तू जब तो जब कोई शख्स अपने साथी को जजाक अल्ला खैरम कहता है तो उससे फ़कत मुराद ये मंजिलें होती हैं कि जो अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात में से अपने खालिस् और नेक बंदों के लिए आमादा की हैं और यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगली नशे जो कि आखिरी नशस्त होगी और हम उसमें यह जल अव्वल मुकम्मल कर लेंगे इजाज़त दीजिए खुदा हाफ फ़ी अमान अल्लाह